कैसे हो भाई लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फाइनली हम हमारा AMD राइजन बिल्ड करने वाले हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए होगा और मैच्योरिटी वीडियो एडिटिंग के लिए होगा। इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ आप इमेज एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, गेमिंग भी कर सकते हो, कंज्यूमर लेवल की जितनी भी प्रोडक्टिविटी की चीज़ें हैं ना, वो भी कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा हम यहाँ पर वीडियो एडिटिंग को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि वीडियोग्राफर हैं, वीडियो एडिटर हैं। वो इस पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, राइजन पे प्रोडक्टिविटी बिल्ड बनाइए। आपको जैसे पता होगा, अभी हमने शायद 3 4 5 दिन पहले इंटेल पे गेमिंग बिल्ड किया है। तो अब भी मतलब आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और गेमिंग बिल्ड करना चाहते हो तो इंटेल पे हमने ऑलरेडी कर रखा है 9400F के साथ। वो बहुत अच्छा CPU है। गेमिंग के मामले में इंटेल के जो CPUs है, वो AMD को डेफिनेटली पीछे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने इंटेल पे वो गेमिंग बिल्ड किया है। उस वीडियो को जाके देख लो और अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके 9400F के साथ आप बहुत अच्छा गेमिंग बिल्ड बना सकते हो। लेकिन आप स्ट्रिक्टली अगर राइजन में जाना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देख सकते हो। और वीडियो एडिटिंग और ऐसा कुछ भी प्रोडक्टिविटी का वर्क करना चाहते हो तो फिर इंटेल पे जाने का रहने दो, AMD के साथ जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब जहाँ तक बात है CPU की, तो आपने हमारे CPU रिसर्च वाले वीडियो देखे ही होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखे ही हैं। लेकिन फिर भी बाय एनी चांस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने CPU पे पूरा रिसर्च किया है, बहुत सारे वीडियोज़ है पास्ट में, जाके देखना ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हमने ये जो CPU हम सिलेक्ट करने वाले हैं ना, 1600 1700 और 2600, 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, ये क्यों हमने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो राइजन 1600 जो है, फर्स्ट जनरेशन का राइजन 5 1600, वो हमारी रिसर्च में सबसे बढ़िया CPU निकल के आया है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है। ओवरक्लॉकिंग हो सकता है राइजन के सारे CPU में। आप उसकी जगह अगर 1600 के बजाय थोड़ा सा हायर क्लॉक में जाना चाहते हो तो 1600X भी सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़्यादा कोर के साथ जाना चाहते हैं तो वो 1700 में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 8 कोर 16 थ्रेड मिलती है। तो डेफिनेटली जा सकते हो, वो भी 16 या 1650 में मिल जाता है। जो ये राइजन है वो 12 के आसपास मिल जाएगा आपको, 1600 जो है। और बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रिक्टली सेकेंड जनरेशन में जाना चाहते हैं, वो 2600 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तीनों ही CPUs AMD में बहुत बढ़िया है। प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज नंबर वन पे है 1600, उसके बाद दूसरे नंबर पे AMD का, वैसे तो 94 है इंटेल साइड, लेकिन AMD में दूसरे नंबर पे है 1700, तीसरे नंबर पे है 2600। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आप जो सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1600 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। ये देखो 1600 है, 11800 का मिल रहा है अभी इंडिया में, बिल्कुल रिलेवेंट प्राइस है। और ये है 1700, 16500 में। और ये जो 2600 है वो 16 इसमें है, 16599, मतलब 100 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसके बीच में कन्फ्यूज हैं, तो मैं डेफिनेटली आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, इसको ले लो। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर 8 कोर 16 थ्रेड है, ये दूसरी जनरेशन का है। सिर्फ उसी की वजह से मार्केट में थोड़ी डिमांड भी है, उसकी वजह से थोड़ी प्राइस हाई है, लेकिन ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU इसके जैसा ही CPU है, बस दूसरी जनरेशन का है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट है, थोड़ी प्राइस ज़्यादा होगी। लेकिन 8 कोर के साथ जाना चाहते हो तो इसके साथ जाओ, 6 कोर के साथ जाना चाहते हो तो इसके साथ जाओ, और सेकंड जनरेशन में जाना है तो इसके साथ जाओ। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं राइजन 1600। वीडियो एडिटिंग में ये सारे के सारे CPU जितने भी मैंने आपको दिखाए ना, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्टिविटी के लिए राइजन, अनडाउटेडली राइजन किंग है प्रोडक्टिविटी में। जैसे इंटेल में गेमिंग किंग है, वैसे ही यहाँ पे ये किंग है। ठीक है, अब मदर यहाँ पे कूलर में मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे हमने पिछला बिल्ड किया था, ये बिल्ड भी हम कम से कम पैसों में सारे के सारे पार्ट सिलेक्ट करके करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का काम करने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि इस पर वर्क करेंगे, अपना कुछ प्रोफेशनल जो भी उनका काम है, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग जो करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग और ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप करने वाले हो इस पर्टिकुलर बिल्ड के साथ भी, तो फिर आपको यहाँ पर एक कूलर अच्छा सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से ओवरक्लॉकिंग कर पाओ। एज वेल एज मदरबोर्ड की भी बात है, तो मदरबोर्ड भी आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें अच्छे VRM कंपोनेंट लगे हो, उसकी पावर डिलीवरी प्रॉपर हो, ताकि आपको एक स्टेबल ओवरक्लॉक मिल पाए। वरना स्टेबल ओवरक्लॉक ना मिले तो ओवरक्लॉकिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ओवरक्लॉकिंग में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ, और उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है, चाहे 1600 के साथ, 1700 के साथ या 2600 के साथ, कोई भी CPU सिलेक्ट करते हो, तीनों के
साथ, राइजन के जितने भी हैं ना सबके साथ आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, लेकिन उसके साथ जो स्टॉक कूलर आता है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो आपको एक आफ्टर मार्केट अच्छा सा बड़ा सा एयर कूलर या लिक्विड कूलिंग किट भी परचेज करनी पड़ेगी, साथ साथ मदरबोर्ड भी ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे राइजन के जितने भी चिपसेट हैं वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको X470 में जाना पड़ेगा। हमारे पास मदरबोर्ड में भी दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो हम B450 के साथ जा सकते हैं या तो X470 के साथ जा सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि अगर ओवरक्लॉकिंग करना है, प्रॉपरली करना है और अच्छा ओवरक्लॉकिंग करना है ना, तो X470 के साथ जाना, डेफिनेटली B450 के साथ भी हो जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया नहीं होगा जितना X470 में होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपकी नीड है ना उसके हिसाब से आप बना लो। ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, कोई जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन जिनको मेरे हिसाब से चलना है वो मेरे हिसाब से चल सकते हैं। जिनको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने और अपने हिसाब से बनाना है ना, जैसे ओवरक्लॉकिंग करना है या गेमिंग बनाना है, तो गेमिंग में फिर ग्राफिक्स कार्ड दूसरा सिलेक्ट होगा। हम प्रोडक्टिविटी में बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड दूसरा सिलेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो सीपीयू कूलर हम कोई सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसके साथ आता है जैसे मैंने कहा मदरबोर्ड में चलते हैं। मदरबोर्ड में हमारे पास जैसे मैंने कहा दो ऑप्शन हो जाते हैं, X470 और B450। इससे पुरानी जो जनरेशन है ना 350 वाले या 370 वाले, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं आपको ये B450 और X470 में क्यों ले जा रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। अगर आप जैसे 350 में आपको अपनी लोकल मार्केट में कोई 350 या 370 मिल जाता है और आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो डेफिनेटली आप ले लेना, लेकिन 450 पे मतलब ये 400 सीरीज़ के चिपसेट में जाने का एक और रीज़न भी है कि राइजन की थर्ड जनरेशन आने वाली है, तो वो लोग ऐसा करने वाले हैं कि जो उससे पहली जनरेशन यानी कि सेकंड जनरेशन, उसके जो मदरबोर्ड होंगे, उसके जो चिपसेट होंगे, उस पे ये थर्ड जनरेशन के सीपीयू सपोर्ट करेंगे। हो सकता है पहली जनरेशन पे वो सपोर्ट ना करे, तो अभी हम यहाँ पे 350 या 370 ले लेते हैं और फ्यूचर में हमारा अपग्रेड करने का मन करे तो वो अपग्रेड पाथ हमारे लिए क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 450 सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आपको अपग्रेड करने का ऐसा कुछ मन नहीं है कि नहीं मुझे राइजन की थर्ड जनरेशन में नहीं जाना, ये सीपीयू जो अभी ले रहे हैं वही बेस्ट है और उसको ही 3-4-5 साल तक चलाना है, तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको अपग्रेड भी करना है उसके लिए एक बेटर ऑप्शन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि AMD वाले थर्ड जनरेशन के साथ जब ये नए सीपीयू आने वाले हैं ना 3000 सीरीज के, तो उसमें सेकंड जनरेशन के बोर्ड पे वो अलाउ करे लेकिन फर्स्ट जनरेशन पे अलाउ ना करे, इसीलिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा दो हमारे पास रास्ते हैं, 470 में जाना अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है, और ओवरक्लॉकिंग करना है तो फुल ATX मदरबोर्ड के साथ जाना। आप माइक्रो के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप अभी पैसे खर्च ही रहे हो, आप अलग से कूलर लगाओगे और 470 जो X470 जो कि थोड़ा सा महंगा चिपसेट है उसका मदरबोर्ड भी थोड़ा महंगा होगा, तो फिर फुल ATX मदरबोर्ड के साथ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बेटर मिलेगी। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करने वाले हो तो B450 के साथ जाना और उसमें माइक्रो में जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना सारी छोटी छोटी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सबसे सस्ती से सस्ती, और अगर आपका जैसे मैंने कहा बजट अलाउ करता है तो फिर आप उसमें भी हायर जा सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको मन करे कि नहीं मुझे B450 में ही फुल ATX में जाना है तो भी जा सकते हो, और X470 में माइक्रो में जाना है तो भी जा सकते हो, ठीक है। सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मेरा मैथ है, लॉजिक है कि इस हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे अपग्रेड पाथ भी आपके पास खुला रहे, प्लस अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली X470 है वो ओवरक्लॉकिंग में बहुत अच्छा है, B450 भी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना X470 है, ठीक है। अब जब X470 में जा रहे हो तो हम फुल ATX के साथ भी जा सकते हैं, और लेकिन B450 में जा रहे हो तो फिर फुल ATX के साथ जाने का मतलब नहीं है। 6-7-8 हज़ार में जो भी आपको माइक्रो ATX अच्छा सा मदरबोर्ड मिल जाए वो आपको ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने मदरबोर्ड, देखो राइजन के मतलब CPU ना ये बहुत अच्छा है, जितना ये साइट भी बहुत अच्छी है, प्लस राइजन के CPU की भी एक अच्छी बात है कि जितने चिपसेट उसके पे अवेलेबल होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन हम B450 सर्च करते हैं ताकि हमें हमारे हिसाब से मिल जाए, ये रहा, ठीक है। हम प्राइस वाइज मैंने इसको शॉर्ट किया है तो सबसे सस्ते जो है ना वो ऊपर दिखा रहा है। अब ये जो MSI के B450 Pro वाले मदरबोर्ड है ना ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। ये गीगाबाइट का भी हम खोल लेते हैं, और ये गेमिंग प्लस है। अब गेमिंग में और उसमें हमें नहीं जाना है, गेमिंग की वजह से इसकी प्राइस हाई हो जाती है। हम दो ये देख लेते हैं जो हमने खोले हैं, ये रहा और ये रहा, ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है वैसे। इसकी एक बार पेज पे जाके भी ना थोड़ी सी अब तसल्ली कर लेना, और आपको अगर इससे भी बेटर, यहाँ पे ये कोई फाइनलाइज नहीं है, मैं अपनी ओर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इससे भी बढ़िया कोई मिलता है ना तो आप डेफिनेटली उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे ये कितने का है, 7300 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप किसी लोकल मार्केट में जाओगे ना तो 6-6.5 में मिल जाएगा, लेकिन उससे भी सस्ता अगर आपको कोई बेटर मदरबोर्ड मिलता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार इसका स्पेसिफिकेशन देख लेता हूँ, ठीक है, M.21 है, कोई बात नहीं, USB भी है प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। तो हम ये MSI वाला सिलेक्ट कर सकते हैं या गीगाबाइट वाला, ये वाला है ना जो ये
ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके भी एक बार प्रोडक्ट पेज पे जाके आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन स्टडी कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, M.2 इसमें भी डेफिनेटली होना चाहिए। एक तो M.2 का, हाँ ये रहा, ठीक है, M.2 कनेक्टर है, दोनों में है। तो हमें M.2 लगानी है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इसीलिए हम यहाँ पे ये मैं ढूंढ रहा था। M.2 नहीं होगी तो फिर आगे हमें दिक्कत होगी। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली, मदरबोर्ड भी आ गया, 7300 में दिखा रहा है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा आपको सस्ता मिले ना इससे, तो आप ले लेना। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, प्लस बहुत सारे मदरबोर्ड भी अवेलेबल है। यहाँ पे जितने अवेलेबल है ना इस पर्टिकुलर साइट पे, मैंने उसमें से सिलेक्शन किया है। ठीक है, अमेजोन पे भी अगर आप देखोगे ना, तो उससे बेटर ऑप्शन आपको, इससे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जहाँ तक बात है मेमोरी की, हम यहाँ पे 16 GB सिलेक्ट कर रहे हैं। जो हमने 9400 वाला बिल्ड किया था उसमें हमने 8 GB सिलेक्ट की थी, क्योंकि गेमिंग के लिए 8 GB मोर देन इनफ है। अगर आप AMD में भी ये गेमिंग के हिसाब से कर रहे हो तो 8 GB के साथ ही जाना, एक सिंगल स्टिक लेना। लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिविटी का कोई भी काम करना है ना, तो उसमें 8 GB इनफ नहीं है, और स्पेशली वीडियो एडिटिंग में। बाकी ऑडियो और इमेज है उसमें तो हो जाएगा, लेकिन वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो 16 GB की पूरी एक रैम किट, दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग स्टिक सिलेक्ट करते हैं। मैं नहीं कह रहा नहीं चलेंगे, लेकिन बाद में इश्यूज हो सकते हैं, स्टेबिलिटी के इश्यू आ सकते हैं। तो आप हमें बिल्कुल नया बिल्ड कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम 16 GB का पूरा एक खरीदते हैं, पूरी किट मिल जाए ना, 2x8 दो मॉड्यूल, ये रहा। इसको प्राइस वाइज शॉर्ट कर लेते हैं हम। एक देखो तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, किंगस्टन की फ्यूरी है और हाइपर एक्स है, और कोर्सेयर का भी ना पूरा एक किट मिलता है 11,000 में, मैंने देखा था अमेज़ॉन पे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है लेकिन अमेज़ॉन पे है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपको मिल जाए तो ले लेना। ठीक है, या कोई और भी मिल जाती है आपको अच्छी वाली तो वो भी ले लेना। अब ये कितने की है, 2400 वाली होगी शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 3000 में देखते हैं, ये 3200 की है, ये ले लेते हैं। लेकिन 16,000 बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। मैंने देखी थी अमेज़ोन पे, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो रैम में हमारे पास इतने ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखो 2400 का पूरा एक सिंगल स्लॉट है 16 GB का। ठीक है, ये अब 16 GB का सिंगल स्लॉट ना बहुत सारे मदरबोर्ड पे सिलेक्ट मतलब सपोर्ट नहीं करता है। ये भी 16 GB का सिंगल स्लॉट है जो कि 3000 MHz का। देखो 2400 में और 3000 में सिर्फ 200 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इन दोनों को नहीं लेते, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये एक पूरी किट है, 8 GB के दो मॉड्यूल है, 8999, लेकिन ये 2400 की है। और ये देख लो, 10999 में 3000 MHz की रैम है, ये दो मॉड्यूल होंगे इसमें। ठीक, नहीं सॉरी, ये एक ही है, ये हाँ ये रहा, 3000 का पूरी किट है, 3000 फ्रीक्वेंसी की और दो मॉड्यूल हैं 8 GB के, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना Corsair Vengeance LPX, ये शायद इस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे ना, देखो Vengeance LPX है नहीं यहाँ पे, 3000 3000, हाँ ये रही। ठीक है, ये रही, मिल गई। ठीक है, तो हमने पूरी किट ले ली, 11300 मतलब 11.5 मैक्सिमम मिल जाएगी। अब एडिशनल मेमोरी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज में हम M.2 सिलेक्ट करेंगे डेफिनेटली, M.2 250 सैमसंग की कहाँ गई, ये रही 7000। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझा देना चाहता हूँ। पहले तो हमने M.2 क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में M.2 के परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। हमने 94 में M.2 सिलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, वहाँ पे हमने 500 की SATA SSD सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पे मैंने 250 GB की सिलेक्ट की है, बजट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम कम से कम रखना चाहते हैं हमारा बजट, फिर भी बढ़ ही जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 500 GB में भी जा सकते हो, और हमने ये ईवो सिलेक्ट किया प्रो में भी जा सकते हो, या आपका बजट का कोई इशू ही नहीं है तो आप 1 TB या 2 TB में भी जा सकते हो। तो फिर आपको एडिशनल स्टोरेज में जो हार्ड ड्राइव लेने वाला है ना, उसमें आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका इसमें ही काम हो जाएगा। अब अगर आप इस पर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले मैं आपको हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ। ओके, तो हार्ड ड्राइव में हमें ये मिल गई है, वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू ड्राइव है, 5400 RPM वाली, 4 TB का स्पेस है, और 8990 मतलब 9000 में मिल जाएगी। ठीक है, आप अपनी लोकल मार्केट में देखना, शायद 8 8.5 में भी मिल जाएगी। अब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों किया।
देखो अभी हम ना बिल्कुल टाइट बजट पे चल रहे हैं, इसलिए हमने 250 की 970 ईवो सेलेक्ट की है। अगर आपका जैसे मैंने कहा बजट अलाउ करता है तो 970 प्रो में भी जा सकते हो और 250 से ज़्यादा भी जा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो दूसरी हार्ड ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जहाँ तक बात है वीडियो एडिटिंग की, ये जो फाइलें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, हमें स्टोर भी रखनी पड़ती है जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, इसलिए मैंने 4 TB सिलेक्ट की है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी कटौती करके 2 TB में भी जा सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है तो उसको भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इवन किसी भी कंपोनेंट को आपके पास पड़ा हुआ है ना, डेफिनेटली उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं नए लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 500 कर देते हो और इसमें थोड़ी सी कटौती करते हो तो आपको SSD में ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको हार्ड ड्राइव में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फिर इसी कॉम्बिनेशन को रखना। और एडिटिंग पर्पज़ के लिए जब मतलब जैसे इसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करोगे 250 में और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना, तो 100 GB तक भर जाएगा, ठीक है, मैं अराउंड कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 150 GB खाली रहेगा। अब उस 150 GB के स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो मतलब एडिटिंग पर्पज़ के लिए, टेम्पररी पर्पज़ के लिए। तो वो जो सारी आप कैप्चर करते हो फाइलें, उसको टेम्पररी बेसिस पे डेस्कटॉप पे रखो या इस ड्राइव पे मतलब SSD पे कहीं पे रखो, और एडिटिंग वहाँ पे कर लो, रेंडर भी कर लो, पूरा वीडियो मतलब कंप्लीट हो जाए ना एक्सपोर्ट, उसके बाद आप उसको इसमें हार्ड ड्राइव में मूव कर दो, ठीक है। ऐसे मैं भी करता हूँ, अगर आपका बजट मतलब बजट का इशू है या स्पेस का तो इशू है तो। और अगर आप यहाँ पे बड़ी सी सिलेक्ट करते हो तब तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पे जुगाड़ दिखा रहा हूँ कि ऐसे आप टेम्पररी बेसिस पे एडिटिंग पर्पज़ के लिए ऐसा कर सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पे 500 या 1 TB करते हो तब तो ये टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे एडिटिंग पर्पज़ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक बात है वीडियो एडिटिंग की, यहाँ पे दूसरे भी अगर आप करना चाहो ना तो दूसरा भी स्टोरेज यहाँ नीचे ऐड कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल कोई लेनी है या दूसरी 4 TB की लेनी है और उसका RAID 1 बनाना है, जैसे मैं रखता हूँ, कि आपको पता होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं ना उसका बैकअप रखना पड़ता है हमें, तो एक ड्राइव पर रखना थोड़ा सा रिस्की है। अगर एक ड्राइव ख़राब हो गई तो फिर सारा आपका डेटा गया, इसलिए हमें RAID 1 बना के या RAID 10 बना के भी रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बजट बिल्ड है तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दूसरी ड्राइव के साथ RAID 1 करेगा, लेकिन फिर भी करना चाहो तो फिर दूसरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो ऑनबोर्ड कंट्रोलर है ना इस मदरबोर्ड का, वो RAID सपोर्ट करता है, ये भी आपको बता दूँ। अब जहाँ तक बात है वीडियो कार्ड की, वीडियो कार्ड कल ही मैंने वीडियो बनाया है, 3GB 1060 3GB, सबसे बढ़िया कार्ड है अभी, ये तो 18 मिल रहा है, 13 वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, 13450 सबसे बढ़िया कार्ड है। और ये कार्ड मेरे पास है, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्ड है। फुल HD रिजोल्यूशन की वीडियो एडिटिंग में इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरी मानो तो, ठीक है। और अगर आप स्ट्रिक्टली AMD साइड जाना चाहते हो तो मैंने कल के वीडियो में ही आपको दिखा दिया था 574 GB, ये दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग की और गेमिंग की। आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर आपने 1660 क्यों सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन भाई ये वीडियो एडिटिंग बिल्ड है, प्रोडक्टिविटी बिल्ड है। अगर हाँ इसी पर्टिकुलर CPU के साथ या 2600 के साथ या 1700 के साथ आप गेमिंग करना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप 1660 सिलेक्ट करना, लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी में इतनी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रेशियो वाइज बात करूँ तो गेमिंग में CPU और GPU का काम 50-50% है, तो प्रोडक्टिविटी में CPU का काम 70-75% है और GPU का काम 30% तक ही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 13 वाला बहुत ही बढ़िया कार्ड है और सिस्टम बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा गेमिंग करने वाले हो तो यहाँ पे 1660 आप ले लेना, जो कि आपको 18 के आसपास मिल जाएगा। केस की बात जहाँ तक बात है, हमने पिछली बार ही देखा था Corsair के केस थोड़े से सस्ते वाले मुझे दिखे थे, 3000 वाले कहाँ गए, शॉर्ट करते हैं इसको, 100R तो बहुत छोटा हो जाएगा, 3700 भाई, ये देखते हैं इस पे ना, ये वाली साइड पे बहुत सारे अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा है, साइड पैनल भी है, इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपको कोई बेटर इससे मिले तो आप देख लेना, सर्कल के जैसे मैंने कहा था बहुत अच्छे केस हैं, लेकिन पता नहीं साइड पे होंगे कि नहीं, देख लेते हैं। ये तो रैम का है ना, नहीं, हाँ केस का ही है, लेकिन देखो यहाँ पे नहीं है सर्कल के केस, ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड पे, लेकिन अमेज़ोन पे आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। सर्कल के केस बहुत अच्छे आते हैं और थर्मल टेक के भी बहुत अच्छे केस आते हैं, और दूसरी डीप कूल, ये इन सब सारी कंपनियों के ना केस बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड पे जो अवेलेबल है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको इससे भी सस्ता कोई 2-2.5 हज़ार का मिल जाए जिसमें साइड पैनल ना भी हो और आपको उससे फ़र्क नहीं भी पड़ता है, मेरी तरह हो आप, तो डेफिनेटली आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जितने पैसे बचाओ ना, ये जो आप ये जितनी भी चीज़ें हैं ग्राफिक्स कार्ड के नीचे की चीज़ें, इनका परफॉर्मेंस है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें आप जितने चाहे पैसे बचा सकते हो और जितने चाहे पैसे लगा भी सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितने पैसे बचा के आप ये जो सारी चीज़ें हैं ना, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, SSD और ये ग्राफिक्स कार्ड, इसमें लगाओ, ताकि आपका सिस्टम जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना, ये इन सारी चीज़ों की वजह से मिलेगा, ना कि अब ये नीचे की जो चीज़ें हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। पावर सप्लाई देखो, ये 200
24 हो गया है ना, तो पावर सप्लाई भी हमने कोर्सेयर का देखा था पिछली बार, 4,500 का ही था, बहुत बढ़िया वाला, वो हम ले लेते हैं 450 वाट का, 550 शॉर्ट करो इसको, हाँ ये रहा, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। 450 वाट का कोर्सेयर का बहुत अच्छा पावर सप्लाई है, और लेकिन इससे भी बढ़िया आपको कोई मिल जाता है तो ले लेना। वैसे पावर सप्लाई मुझे लगता नहीं कोर्सेयर से कोई अच्छी ब्रांड है, लेकिन फिर भी अगर आपको और आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो ले लेना। जैसे पिछले बिल्ड में ही मैंने कहा था पावर सप्लाई की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और जैसे मैंने पिछले बिल्ड में ही आपको समझाया था कि पावर सप्लाई की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो 2-3 सिस्टम तक भी चल जाते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट तो शायद आप चेंज कर दो फ्यूचर में, लेकिन केस और पावर सप्लाई ये लोग 2-2, 3-3 सिस्टम तक भी चला लेते हैं। तो अगर आप अभी इसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के एक अच्छी क्वालिटी का, मैं नहीं कह रहा ज़्यादा वोल्टेज वाला, लेकिन जैसे 450 का या रेप्यूटेड ब्रांड का है, बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में बिल्कुल जो सस्ते वो डब्बे पावर सप्लाई होते हैं ना 500-600 वाले, उसमें मत चले जाना। वो पावर सप्लाई ना तो इस ग्राफिक्स कार्ड को पावर दे पाएगा, ना उस CPU को पावर दे पाएगा, ठीक है, और जल जाएगा और बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इससे कम में जाना मत, मतलब अच्छी ब्रांड का लेना। अगर 3500 का 3000 का भी अच्छी ब्रांड का, जैसे सर्कल का वो 500 वाट वाला आता है, वो शायद 2.5 या 3 में मिल जाता है, ठीक है, इस साइड पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अच्छा है, लेकिन फिर उससे भी सस्ते वो जो डब्बे होते हैं ना चाइनीज पावर सप्लाई, उसमें मत चले जाना, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये सारी बातों की समझ नहीं होती है, हमारे जो पिछले वीडियोस हैं वो भी नहीं देखे होते, इसलिए सारा डिटेल में मुझे यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार जैसे मैंने अभी ये बोला कि इसके नीचे की चीज़ों में जितने पैसे बचा सकते हो, तो यहाँ पे किसी ने वो लोकल मार्केट में जाके 500-600 वाला जो डब्बा मिलता है वो ले लिया, फिर बाद में पछताएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉनिटर जैसे हमने गेमिंग बिल्ड में क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि अच्छे FPS वाला, मतलब अच्छे हर्ट्ज वाला मॉनिटर लेना, TN पैनल, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है IPS या PLS पैनल, क्योंकि हम ये प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जो जिस मॉनिटर के कलर अच्छे हो, कलर रिप्रोडक्शन अच्छा हो, ऐसा मॉनिटर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 60 हर्ट्ज वाला ही चाहिए हमें, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पैनल हमें चेंज करना पड़ेगा। पिछले वाले में क्या था, हमें ज़्यादा हर्ट्ज में जाना था क्योंकि गेमिंग मॉनिटर था, वहाँ पे पैनल TN ही है जो बिल्कुल बेसिक पैनल आता है, लेकिन यहाँ पे हम IPS पैनल सिलेक्ट करेंगे जिस भी कंपनी का, और मतलब जो भी साइज़ आपको प्रेफरेबल है, मैं आपको 27 इंच का Full HD रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप हायर उसमें 4K में और उसमें वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ 4K थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मॉनिटर भी सिलेक्ट करना। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, इनका लिंक जो होता है, मतलब मैंने वीडियो बना रखा है वीडियो लिंक के बारे में, वीडियो क्या नाम था उस वीडियो का मैं भूल गया, लेकिन उसमें मैंने ये बोला था कि मॉनिटर, आपका ग्राफिक्स कार्ड और जो मीडिया है वो तीनों इक्वल लेवल के होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर जो व्यूइंग है वो मिलेगा। आप मॉनिटर छोटा सिलेक्ट करते हो और जैसे Full HD लिया और उस पर आप 4K वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करते हो तो हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको जैसे कलर करेक्शन करना है या कुछ बिल्कुल डिटेल में देखना है उसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से देखना। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल्ड को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ 4K 5K या 6K या 8K वीडियो एडिटिंग एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फुल HD रिजोल्यूशन के वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम सारी चीज़ें सिलेक्ट किए हैं। अगर आपको 4K और उसमें बिल्ड करना है तो उस पर अलग से सिस्टम बनाऊंगा, क्योंकि सारे पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर आप फुल HD देख लेना, बस ये देखना कि वो TN पैनल ना हो, IPS पैनल हो, या सैमसंग का जो PLS मिलता है वो हो, या अच्छे कलर रिप्रोडक्शन वाली कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हो, TN को छोड़ के कोई भी ले लेना, बस बाकी सब कुछ आ गया। कितना हो गया, 68,713 कोई चीज़ है जिसकी प्राइस बच रही है, नहीं है ना, सब कुछ आ गया आज तो। देखो ये थोड़ा सस्ते में निपट गया ना, पिछले वाला कितने का हुआ था, नहीं 70 में हुआ था, ये भी 70 के आसपास हो ही गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमने देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मेमोरी हमने ज़्यादा सिलेक्ट की है, ग्राफिक्स कार्ड में हम थोड़ा सा चले गए पीछे, मतलब थोड़ा बजट में आ गए, लेकिन हाँ ये वाली ड्राइव थोड़ी महंगी सिलेक्ट हो गई क्योंकि M.2 NVMe है, ठीक है। और पावर सप्लाई हमने 450 लिया है, ये 224 दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे पार्ट जो कूलर मास्टर की जो साइट है ना उस पर डाल के भी देख लेना, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए, या कोर्सेयर की भी जो साइट है पावर सप्लाई कैलकुलेटर उस पर डाल के देख लेना, ताकि कन्फर्म हो जाए कि टोटल पावर कंजप्शन आपके सिस्टम का कितने होने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 450 का किया है, वैसे 99% तो मैं श्योर हूँ कि ये चल जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को जैसे ओवरक्लॉकिंग करना है इस पर्टिकुलर CPU के साथ, तो हो सकता है कि उसको या इसको भी ओवरक्लॉक करना है, जो GPU लगाओ या 1660 लगाओ आप यहाँ पे, और उसको भी ओवरक्लॉक करना है, तो फिर शायद 450 है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो फिर आपको 550 या 600 में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा मैं ओवरक्लॉकिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी
पे और स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने पूरा सिस्टम बिल्ड किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये पसंद भी आया होगा। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई फाइनलाइज नहीं है, इसमें आप दुनिया भर के चेंजेस कर सकते हो। जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, जैसे दूसरी कंपनी की रैम लेनी है, दूसरी कंपनी का मदरबोर्ड लेना है, इससे सस्ता मिलता है या इससे महंगा लेना है, प्रोसेसर चेंज करना है, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है कि कैसे सिलेक्शन होता है और किस हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो ना, तो 1660 में मत जाना, ये कार्ड मोर देन इनफ है फुल HD वीडियो एडिटिंग के लिए, या 570 अगर आपको AMD साइड जाना है तो 574 GB में जाना। लेकिन इससे ज़्यादा फिर पैसे आप इस पर डालोगे ना, तो वो ग्राफिक्स कार्ड वर्थ नहीं होगा, मतलब उसका जो ज़्यादा पावर है ना वो यूटिलाइज नहीं होगा वीडियो एडिटिंग में। डेफिनेटली गेमिंग में होगा। अगर गेमिंग बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे 1660 सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे सेटा सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे 8 GB कर लेना, ठीक है। इतने चेंजेस करोगे तो आपका गेमिंग बिल्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंटेल साइड हमने बहुत बढ़िया वाला गेमिंग बना रखा है, तो इसमें फिर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि पैसे तो उतने ही हैं। देखो कितने 70 तो हो ही गए, तो 70 में इंटेल वाला भी बहुत बढ़िया बन रहा है, जो कि 150 FPS प्लस जाएगा। ये 150 FPS प्लस जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछना। और जहाँ तक बात है फिजिकली बिल्ड करने की, तो जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लाइनस सेबास्टियन का कोई भी वीडियो देख लो, अच्छे से करना गाइज, बेस्ट ऑफ लक। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है, तो कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताना, अपडेट दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।